हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज में हम गेट लेवल के, नेट लेवल के और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी वीडियोस लेकर आएंगे। तो यहाँ पे आज मैं ये जो वीडियो लेकर आई हूँ वो आपके बेसिकली कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको नंबर सिस्टम तो ब्रीफ में एक्सप्लेन करूंगी और जो नंबर सिस्टम कन्वर्जन अभी अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जहां पे मैंने आपको जो कन्वेंशनल प्रोसीजर होती है हमारी, यानी जो लॉन्ग ट्रिक है डिटेल में जो हम करते हैं अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में, वो बताई थी। तो यहाँ पे हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन की शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें हमें आंसर को सही तो करना होता है लेकिन बहुत कम समय में सही करना होता है, इसीलिए उतनी डिटेल प्रोसीजर में हम नहीं कर सकते अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वो प्रोसीजर हमारे सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि हमें सेमेस्टर एग्जाम्स में उन्हीं प्रोसीजर पे नंबर मिलते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें आंसर को सही करना होता है, वो भी कम समय में, इसीलिए हमें शॉर्ट ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये जो वीडियो है नंबर सिस्टम का, वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका गेट का एग्जाम हो, नेट का हो, जेआरएफ का हो, या आपके जो यूपीपीसीएल, जेईई, एई या जितने भी एग्जाम होते हैं, पीएसयू एग्जाम्स होते हैं जेईई और एई के, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी नंबर सिस्टम का, क्योंकि ऑलरेडी मैं नंबर सिस्टम डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इज बेसिकली यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर। किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, या किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए भी हम नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। अब बेसिकली फोर टाइप के नंबर सिस्टम आपके पास होते हैं। एक्चुअली होते तो बहुत सारे नंबर सिस्टम है, लेकिन जो हम यूज करते हैं वो हमारे चार टाइप के नंबर सिस्टम है, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन चारों नंबर सिस्टम का हम यूज बहुत ज्यादा करते हैं और यही चारों आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिए बाइनरी, बाइनरी मतलब होता है, यहाँ पे बाइनरी में बाय मतलब होता है टू, इसीलिए बाइनरी का बेस है टू। डेसिमल, डेसिमल मतलब होता है टेन, डेसिमल मिलके बना है डेसी से या डिकेड से, इसीलिए इसका बेस होता है हमारा टेन। ऑक्टल का मतलब होता है एट, तो इसका बेस है एट। हेक्साडेसिमल में हेक्सा का मतलब होता है 16, इसीलिए इसका बेस है 16। बिल्कुल याद रख लो, रट लो कि बाइनरी का बेस 2 होता है, डेसिमल का 10, ऑक्टल का 8, हेक्साडेसिमल का 16। अब आप कहोगे ये सीक्वेंस आपने गलत लिखा है, बाइनरी के बाद आपका ऑक्टल होना चाहिए क्योंकि इसका बेस 8 है, फिर डेसिमल और फिर आपका हेक्साडेसिमल। तो मैं आपको बता दूं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, 90 to 95% क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं आपके बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन के, यानी इन्हीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आपको इनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आप बिल्कुल ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के क्वेश्चन भी इजिली कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बाइनरी और डेसिमल में फोकस करेंगे आज। सबसे पहले अपन बात करते हैं बाइनरी की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइनरी का बेस हमारा 2 होता है और इसे हम रेडिक्स भी कहते हैं, जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि आप बार बार कह रहे हो कि बाइनरी का बेस 2 है, डेसिमल का 10 है, ऑक्टल का 8 है, तो व्हाट डू यू मीन बाय बेस? बेस का मतलब क्या है? तो बेस यहाँ पे बताता है हाउ मैनी डिजिट रिक्वायर्ड इन अ नंबर सिस्टम। किसी नंबर सिस्टम में कितने डिजिट होते हैं वो हमें बताता है बेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बाइनरी का बेस 2 है, यानी बाइनरी में 2 डिजिट की हेल्प से हम बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं और वो डिजिट है हमारे 0 और 1। बाइनरी का पूरा कैलकुलेशन हमारे 0 और 1 पे डिपेंड करता है, यानी इन दोनों डिजिट की हेल्प से ही हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से। बाइनरी नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है कंप्यूटर्स में,
यानी डिजिटल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए हम बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, और इसीलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम केवल 2 बिट की हेल्प से कोई भी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि कंप्यूटर में या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हमको इंफॉर्मेशन सेंड करनी होती है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स, तो सिग्नल्स मतलब वोल्टेज और करेंट के फॉर्म में। तो यहाँ पे 0 मतलब होता है लो वोल्टेज लेवल और 1 मतलब होता है हाई वोल्टेज लेवल। तो यानी केवल लो वोल्टेज लेवल और हाई वोल्टेज लेवल, 2 वोल्टेज लेवल है हमारे पास। इन दोनों वोल्टेज लेवल के हेल्प से हम कोई भी इंफॉर्मेशन, कितनी भी बड़ी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड कर सकते हैं। ये सिग्निफिकेंस है आपके बाइनरी नंबर सिस्टम का। तो यहां हो गया 0 मतलब लो, 1 मतलब हाई, या आप कह सकते हो 0 मतलब ऑफ और 1 मतलब ऑन। अगर हमारे पास कोई स्विच है तो 0 मतलब हो गया ऑफ और 1 मतलब हो गया ऑन। तो ये हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाता है। इसमें केवल 0 और 1 हमारे 2 डिजिट है। नेक्स्ट नंबर सिस्टम है हमारा डेसिमल। डेसिमल का बेस होता है 10, यानी यहाँ पे 10 डिजिट की हेल्प से हम अपने डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्हीं 10 डिजिट के कॉम्बिनेशन से हम कोई भी नंबर बना सकते हैं। अब डेसिमल नंबर सिस्टम का हम कहाँ यूज करते हैं, तो बेसिकली जो हमारी डेली लाइफ है वहां पे हम डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। जैसे आप कहोगे 200 रुपीज, तो 200 वहां पे क्या है, सबको मालूम है कि डेसिमल में है, ठीक है। या हमने कहा 5 एप्पल्स, तो 5 वहां पे क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो यहाँ पे हम डेली लाइफ में जो नंबर सिस्टम का यूज करते हैं वो हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम है। और डेसिमल नंबर सिस्टम का हम कंप्यूटर में इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम को कंप्यूटर में यूज करेंगे तो क्या होगा, हमें 10 डिफरेंट वोल्टेज लेवल की रिक्वायरमेंट होगी डेसिमल नंबर सिस्टम से इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास बाइनरी में केवल 0 और 1 थे, तो हम केवल 2 वोल्टेज सिग्नल लो और हाई की हेल्प से ही पूरी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम में क्योंकि 10 डिफरेंट डिजिट्स होते हैं 0 to 9, तो इन 10 डिफरेंट डिजिट यानी 10 डिफरेंट वोल्टेज लेवल की हेल्प से हमें अपने डेसिमल नंबर सिस्टम से इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना होगा, जो बहुत डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए हमने अडॉप्ट किया बाइनरी नंबर सिस्टम का, और जो मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं वो हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में, लेकिन डेली लाइफ में हम डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। तो आज हम इन्हीं दोनों पे फोकस करेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके गेट में, नेट में, सेट में, JRF में, या जितने भी आपके JEE के कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो इन्हीं से पूछे जाते हैं। लेकिन अब आप कहोगे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का सिग्निफिकेंस क्या है और इनका बेस क्या है, तो ऑक्टल का बेस होता है 8, इसमें नंबर ऑफ डिजिट होते हैं 0 to 7। इन 8 डिजिट की हेल्प से हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस है 16। यहाँ पे हमारे पास 0 to 15 डिजिट्स होते हैं, 0 to 15, यानी ये जो 16 डिजिट्स हैं उनकी हेल्प से हम अपने हेक्साडेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको नंबर सिस्टम, कन्वर्जन सब कुछ बताए थे। यहाँ पे हमें फोकस करना है शॉर्ट ट्रिक्स पे, तो आइए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट ट्रिक्स बताना। शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं आपको लॉन्ग ट्रिक्स, यानी जो हमारा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वो भी देती जाऊंगी, जिससे आपको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प होगा। तो सबसे पहले अपन देखेंगे डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन एंड वाइस वर्सा, यानी इसका ऑपोजिट, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो सबसे पहले मैं आपको जो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की डिटेल प्रोसीजर है वो बता दूं कि जब भी हम डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, यानी अगर आपको डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, या आपको डेसिमल नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, या अगर आपको डेसिमल को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हमें केवल 2 बातों का ध्यान रखना होगा। जो भी हमारे पास नंबर होता है, उस नंबर का जो हमारा इंटीजर पार्ट होता है, उसको हमें न्यू बेस से डिवाइड करना है, और जो नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट होता है
उसको हमें न्यू बेस से मल्टीप्लाई करना है। फिर से एक बार मैं आपको बताती हूं कि अगर हमें किसी भी डेसिमल नंबर को किसी अदर बेस में कन्वर्ट करना है, चाहे वो आपका बाइनरी हो, चाहे ऑक्टल हो, चाहे हेक्साडेसिमल हो, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। करना क्या है आपको, जो भी हमारे नंबर का इंटीजर पार्ट होगा यानी डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला जो पार्ट होगा उसको हमें डिवाइड करना है न्यू बेस से, और जो हमारे डेसिमल का राइट वाला पार्ट होगा यानी जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा नंबर का उसको हमें मल्टीप्लाई करना है न्यू बेस से। जैसे अगर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्स करना है तो आप क्या करोगे, इंटीजर पार्ट को नंबर के डिवाइड करोगे टू से। अगर डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर पार्ट को नंबर के डिवाइड करोगे एट से। अगर आपको डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो जो नंबर का इंटीजर पार्ट होगा आप उसको डिवाइड करोगे 16 से, ठीक है। अब अगर आपके नंबर में फ्रैक्शनल पार्ट है तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शनल पार्ट को नंबर के मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर हम डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट कर रहे हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। अगर हम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसको हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारी डिटेल प्रोसीजर होती है, जो कन्वेंशनल प्रोसीजर है जो हम अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एग्जाम्पल की हेल्प से ये भी आपको बता दूंगी और शॉर्ट ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी। तो डिटेल प्रोसीजर में सबसे पहले मान लीजिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमें 14 को डेसिमल में 14 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो आप कैसे करोगे, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं 2 से। तो यहाँ पे 14 को डिवाइड करिए 2 से, यहाँ आपको रिमाइंडर मिलेगा। 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, यहाँ रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। फिर हमें डिवाइड करना है क्योंकि ये कहलाता है सक्सेसिव डिवीजन, हमें सक्सेसिवली डिवीजन करते जाना है। कब तक करना है वो मैं आपको बताती हूँ। 2 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 जा 6, तो 3 यहाँ आ जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0 क्योंकि 2 से 1 डिवाइड नहीं होगा, तो 0 आ जाएगा और रिमाइंडर में हमें 1 मिलेगा। हमें ये सक्सेसिव डिवीजन तब तक करना है जब तक कि हमारे कोशेंट में, ये कहलाता है कोशेंट, ये कहलाता है डिवाइजर और ये रिमाइंडर होता है हमारा। तो जब तक हमारा कोशेंट 0 नहीं हो जाता हमें ये सक्सेसिव डिवीजन करना है, और जैसे ही कोशेंट 0 हो जाएगा हमें डिवीजन स्टॉप कर देना है। उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर आता है वही हमारा रिजल्ट होता है। लेकिन अब इस रिजल्ट को हम लिखेंगे कैसे, तो उसको लिखने के लिए जो हमारी लोअर बिट होती है उसको हम कहते हैं एमएसबी, और जो अपर बिट होती है वो एलएसबी कहलाती है। हम बॉटम टू टॉप लिखते हैं, यानी इसका रिजल्ट आएगा आपका 1110। ये आपका 14 का डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गया, जो हमारी डिटेल प्रोसीजर है। अब एक और एग्जाम्पल लेके अपन कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, कौन सा नंबर ले लें, 13 ले लिया। मान लीजिए 13 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, अभी 14 किया था, अब 13 कोई भी नंबर ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, ठीक है। तो 13 को हमें कन्वर्ट करना है तो फिर हम 13 को डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ पे हमें रिमाइंडर मिलेगा 2, 6 या 12, तो ये 6 टाइम्स जाएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। फिर 2 को डिवाइड करेंगे 2, 3 या 6, तो ये 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। फिर 2 को डिवाइड करेंगे 2, 1 या 2, तो 1 यहाँ आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 1 नहीं जाएगा तो कोशेंट 0 आ जाएगा और यहाँ 1 रिमाइंडर मिलेगा आपको। यहाँ पे जैसे ही 0 आएगा हम अपना जो डिवीजन है वो स्टॉप करेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे बॉटम टू टॉप, क्योंकि ये हमारी एमएसबी है और ये एलएसबी है। तो 13 का कन्वर्जन क्या आया, 13 का कन्वर्जन आ गया आपका 1101। तो ये हमारे 14 और 13 के डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हो गए।
ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, सेवन भी करके देख लीजिए। सेवन का बाइनरी कन्वर्जन आप करोगे तो वो आएगा आपका 111। ठीक है, ये आप करके देख लेना, बहुत इजी है। अब इनकी मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताती हूँ। ये तो डिटेल हो गई, जिसका बहुत लेंथी है आपको करने में बहुत टाइम लग जाएगा अगर बड़ा नंबर होगा, जैसे आपके 25 हो गया, 35 हो गया, 68 हो गया, 65 हो गया, तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप शॉर्ट ट्रिक्स ध्यान रखिए। तो अब अपन शॉर्ट ट्रिक देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन की। तो 14 और 13 को ही पहले अपन डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अपन ने ऑलरेडी डिटेल मेथड से इनको कन्वर्ट कर लिया है, तो आप आंसर को वेरीफाई भी कर पाओगे। ठीक है, अब 14 को अगर हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो उसके लिए, या किसी भी नंबर को, अगर डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है आपको, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे यहां 1। अब 1 क्यों लिखा मैंने, 0 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, इसीलिए हम स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 से स्टार्ट करने के बाद हर बार हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और लेफ्ट साइड में बढ़ना है। फिर से एक बार मैं बताती हूं, सबसे पहले 1 लिखिए, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है हर डिजिट को और लेफ्ट साइड बढ़ते जाना है। तो लिखते जाए अपन 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 16 आ गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आ गया, 32 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आ गया, 64 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 128 आ गया, और 128 को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 256, और उसके बाद हमें मिलेगा 512, और उसके बाद मिलेगा 1024। तो इस तरीके से आप करते जाओगे, लेकिन इतना लंबा जरूरत नहीं पड़ती, मोस्टली हमें 64 या 128 तक की ही जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको लिखना है, ये कहलाते हैं बाइनरी के पोजिशनल वेट। अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में समझे तो इसको हम कहते हैं बाइनरी का पोजिशनल वेट, क्योंकि बाइनरी में पोजिशनल वेट आप कैसे निकालते हो, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7। तो 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16 होता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर हम, मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो हमें बाइनरी का पोजिशनल वेट लिख लेना है, और अगर आप आम भाषा में देखो तो पहले 1 लिखिए, उसके बाद हर डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है और लेफ्ट साइड में बढ़ना है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड डले होते हैं वो कैसे होते हैं, वो आपके होते हैं 4GB का, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, इस टाइप से मेमोरी कार्ड डले होते हैं। आप कहीं जाते हो तो कहते हो भैया 64GB का मेमोरी कार्ड डाल दीजिए, हम ये कभी नहीं कहते कि 60GB का मेमोरी कार्ड डाल दो या 15GB का मेमोरी कार्ड डाल दो। एक्चुअली मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो हमारे बाइनरी नंबर सिस्टम है वो हमारा रिलेट करता है हमारी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से, यानी जो भी हमारी आईसी है, जो चिप है, जो इन्फॉर्मेशन सेंड हो रही है वो बाइनरी फॉर्म में सेंड हो रही है, इसीलिए हम ये 2 का मल्टीपल जो है उसी का यूज करते हैं अपने मेमोरी कार्ड्स वगैरह में भी। अब शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, डेसिमल के 14 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, 14 से छोटा है इसमें डिजिट कौन सा है, 8 तक है, 8 के बाद तो 16 आता है, जो हमारे 14 से बड़ा है तो हमें 16 की रिक्वायरमेंट नहीं है, या 16 के इधर वाले डिजिट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इनको यहां नहीं लिखेंगे, तो इनको मैंने रब कर दिया। ठीक है, हमें रिक्वायरमेंट है 14 से छोटे डिजिट की। अब 14 किसके एडिशन से बनेगा, तो 14 बनेगा आपके 8 प्लस 4, ये हो जाएगा 12, और प्लस 2 करेंगे तो 14 आ जाएगा, मतलब हमें 8 की रिक्वायरमेंट है, 4 की रिक्वायरमेंट है और 2 की रिक्वायरमेंट है, तो इन तीनों को हम
वन कंसीडर करेंगे और वन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसको जीरो कंसीडर करेंगे। ये आ गया आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 40। तो इस तरीके से आप बहुत इजिली निकाल सकते हो, इतना लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब 13 का और देख लेते हैं। 13 आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो कैसे करोगे? फिर से लिख लो भाई 1, 2, 4, 8, 16। अगर हम 8 के बाद 16 लिखते हैं तो 16 13 से बड़ा है, इसीलिए हम 16 नहीं लिखेंगे। हम यहां तक वही वैल्यू लिखेंगे जो हमारी इस नंबर के बराबर हो या इससे छोटी हो, ठीक है। अब 13 किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा? तो 13 बनेगा 8 + 4 = 12, और 12 में 1 प्लस कर देंगे तो 13 आ जाएगा। मतलब 8 को हम ऑन करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे, 4 को 1 कंसीडर करेंगे और 1 को 1 कंसीडर करेंगे। 2 की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है तो इसको हम 0 कंसीडर करेंगे। तो ये हो गया आपका 13 का बाइनरी कन्वर्जन। ये तो मैं आपको समझा रही हूं, लेकिन आपको ये 5-6 सेकेंड्स में ही ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसीलिए टाइम सेव करने के लिए हम इन शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करते हैं, और ये शॉर्ट ट्रिक आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि जो डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन है, वही 90-95% पूछा जाता है, ठीक है। अब कोई और नंबर अगर आपके पास है, मान लीजिए 7 है, तो 7 को कन्वर्ट करना है अगर हमको बाइनरी में, ये थर्ड हो गया, तो कैसे करोगे? फिर से लिखना पड़ेगा 1, 2, 4। अगर हम 8 लिखते हैं तो 8 हमारे 7 से बड़ा हो जाएगा तो हम नहीं लिखेंगे। अब 7 किसके कॉम्बिनेशन से बनेगा? तो 4 + 2 = 6 + 1 = 7, तो तीनों रिक्वायर्ड है तो तीनों को 1 कर देंगे, तो ये आपके 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। आप कोई भी नंबर करके देख सकते हो, बहुत इजी प्रोसीजर है और बहुत इफेक्टिव है। अब अपन उसी का रिवर्स देखते हैं, यानी अगर हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है उसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे? तो बाइनरी नंबर भी मैंने यही ले लिया है, 1110, ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप नंबर लिख लीजिए 1110, फिर आप वही 1248 वाला कंसेप्ट लगाइए। तो ये हो गया 1 की पोजीशन, ये 2, ये 4, ये 8, ये लिखिए। अब इसमें कहां पे 1 है वो हमें ऐड करना है, यानी 8 + 4 + 2, तो 4 = 12 = 13 = 14, तो इसका कन्वर्जन हो गया 40। अब मान लीजिए सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास 1011, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हर बार आपको 1248 लिखना है, 1248। अगर ज्यादा नंबर होते तो आप 8 के बाद 16 भी लिखते, आगे भी लिखते जाते 32, 64, ठीक है। 1248 लिखा, अब ये पूरा नंबर इसके नीचे लिख दीजिए 1011। अब कहां पे 1 है? तो 8 में है, 2 और 1 में है, इनको ऐड कर दीजिए, 8 + 2 = 10 और 1 = 11, तो इसका डेसिमल इक्विवेलेंट आएगा 11, ठीक है। अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर है तो एग्जाम्पल थर्ड है आपका, अगर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 1, इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो अपन के पास कितने डिजिट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो यहां पे आप लिखिए 1, 2, 4, 8, 16, 32, कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब सारे नंबर को इनके नीचे लिख लीजिए 1, 0, 0, 0, 0, 1, तो ये इसमें 1 कहाँ कहाँ है? 32 में और 1 के नीचे, तो 32 + 1 = 33, तो इसका आंसर आ जाएगा 33। ना आपको डिवाइड करना है, ना आपको मल्टीप्लाई करना है, सीधे इस तरीके से 1248 के कंसेप्ट से आप डेसिमल को बाइनरी में और बाइनरी को डेसिमल में बहुत इजिली कन्वर्ट कर लोगे। ये बहुत टाइम सेविंग प्रोसीजर है और आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा वो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और
फिर से एक बार मैं आपसे कहूंगी कि आप नोट्स बना लीजिए, क्योंकि नोट्स से एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प होती है। हम बार बार वीडियो नहीं फाइंड कर सकते या पूरा वीडियो नहीं देख सकते, तो आप अपनी कॉपी पलटिएगा, नोट्स पलटिएगा, देखकर चले जाइएगा, ठीक है। और ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो आपकी बहुत हेल्प करेंगी। इसी तरह के और नेट, गेट, जेआरएफ, जेई और एई के एग्जाम के लिए और भी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। तो स्टे कंटिन्यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग माई वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय।